मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक लैपटॉप में नो पावर का प्रॉब्लम था, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक आईसी लगाई है जो कि पावर आईसी है, और आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से। अभी ये इसको लगाने में थोड़ा सा कुछ अनकम्फर्टेबल होता है, इसलिए इसका वीडियोस हमने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन ये आईसी बदलने के बाद ये बोर्ड ऑन हुआ है और हम इस बोर्ड के सभी वोल्टेज के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर किस सेक्शन में कितना वोल्टेज आता है। अब फ्रेंड्स, अगर देखें तो इसे ऑन करने के लिए आप आराम से कनेक्टर लगाएं। यहाँ पे पिन होती है जिसको हम ट्यूजर से शॉर्ट करके ऑन करेंगे। बोर्ड ऑन हो गया, फैन चलने लगा। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, कि हम वोल्टेज कौन कौन सा चेक करें और लैपटॉप को ऑन होने के लिए कौन कौन सी वोल्टेज ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज इन सेक्शन में कौन सी वोल्टेज पहुंचती है। तो वोल्टेज इन सेक्शन जो हमारा होता है सर, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है वोल्टेज इस डायोड के पास में यहाँ पे। और ये अगर आप मल्टीमीटर की तरफ देखें तो मल्टीमीटर पे भी आपको वोल्टेज शो कर रहा होगा। अब ये वोल्टेज जब आगे बढ़ती है तो ये आगे यहाँ से बैक साइड में एक फ्यूज़ लगा होता है, उस फ्यूज़ से होते हुए आपके सभी सेक्शन में पहुँचती है। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊँ ये दो, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस सेक्शन में ये आपका आउट करेगा 3.35 वोल्टेज। ये दो सेक्शन जरूरी होते हैं जिनका इनपुट सेम होता है आपका 19 वोल्टेज, और इसका आउटपुट आप देख रहे होंगे 3.3 है और इसका आउटपुट 5 है। तो जब भी दोस्तों अगर आप बोर्ड को रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले इस सेक्शन को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो स्विच आपका लगा होता है, इस स्विच में आपको सप्लाई चेक करनी होती है। यहाँ से वायर निकली होती है जो कि यहाँ पे जाती है, और आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, लैपटॉप आपका ऑन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले एक सप्लाई वहाँ पे चेक कर लेनी है, और सबसे ज़रूरी होगा कि आप 19 वोल्टेज को चेक करें, 3.3 चेक करें, 5 चेक करें। अगर ये तीनों वोल्टेज बन रही है तो आप ऑन ऑफ स्विच के ऊपर चेक करेंगे, और वहाँ से उसका सीधा कनेक्शन आपके आईओ से होता है, जो कि मैंने आपको बैक में दिखाए थे, इस लैपटॉप के बैक में अगर आप देख पाएँ तो, यानी कि इस आईसी के साथ में, यहाँ पे इस आईसी के साथ में उसका कनेक्शन होता है। तो जब आपको 19 वोल्टेज और 3.35 तीनों बन जाए, तो फिर आपको इस आईसी के साथ में आपको देखना होता है, इस आईसी की चार्सी करनी होती है, हीट करना होता है, साफ़ करना होता है। साफ करके ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आईसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिलहाल हम लोगों ने अभी 19 वोल्टेज देखा, 3.3 देखा। 3.3 वोल्टेज को पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि बोर्ड के ऊपर आप दो नज़दीक में लगी हुई कॉयल को देखें, और जो नज़दीक में लगी हुई कॉयल होगी वो आपका वीआरएम सेक्शन से अलग होगा, यानी कि सीपीयू के सेक्शन से, रैम के सेक्शन से अलग होगा, और एक जगह एक जैसा लगा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह का कॉयल लगा होना चाहिए, इस तरह का कॉयल यहाँ पे 3.35 बनता है, और ये 3.3 लगभग आपके बोर्ड में जितनी आईसी लगी होती है उनके लिए बनती है, 5 वोल्टेज जितने एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं उनके लिए बनता है। अब मैं आपको इस 3.3 वोल्टेज के थ्रू चलने वाले आईसी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी आईसी इसके ऊपर काम करती है। तो जैसा कि आप अगर थोड़ा बहुत भी लैपटॉप रिपेयर करते होंगे तो आपको पता होगा कि 3.3 वोल्टेज आपके पावर आईसी के लिए चाहिए होता है, आपके बायोस के लिए चाहिए होता है, आपके चार्जिंग आईसी के लिए चाहिए होता है, आपके रैम के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखें हमारा बायोस लगा हुआ है इसके स्पिन के ऊपर, हम अपना आपको वोल्टेज दिखा रहे हैं यहाँ पे देखें, और मल्टीमीटर की तरफ अगर देखें आप तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज शो कर रहा है, यानी कि ये मल्टीमीटर पे आप देखेंगे ग्राउंड से लगा के, तो यहाँ पे आपका इस पिन के ऊपर 3.3 वोल्टेज आना चाहिए जो कि हमें मिल रहा है। यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें आप मल्टीमीटर के ऊपर वोल्टेज दिखा रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के बाद पावर आईसी में आपका वोल्टेज जा रहा होगा। जब भी पावर आईसी आपको देखे तो उसके पास में इस तरह का जो आईसी दिखता है, थोड़ा सा मॉस्फेट की तरह दिखता है लेकिन स्क्वायर शेप में होता है, बायोस होता है आपका। इसे देखने के बाद आपको बैटरी सेक्शन में आना चाहिए और बैटरी के आउटपुट वोल्टेज चेक करना चाहिए। तो इन कनेक्टर्स के ऊपर हमारा आउटपुट वोल्टेज आता है, जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख रहे होंगे, ये सभी वोल्टेज 1 बाई 1, 3.3, 3.3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इधर एक तरफ ग्राउंड होता है, एक तरफ बैटरी का आउटपुट होता है, तो उसे भी आपको चेक कर लेना चाहिए। जब यहाँ पे अगर आपका सर्किट सही होता है तो हमें ऐसा अनुमान लगता है कि
आपका 19 वोल्टेज का ट्रैक हो गया होगा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्यूज और फ्यूज के बाद मॉस्फेट जो लगा हुआ है, ये बैटरी का आउटपुट होता है। बैटरी का आउटपुट इस पिन से आप ट्रेस करेंगे, इस मॉस्फेट में आया है और यहाँ से सप्लाई इस फ्यूज से होकर बाकी सेक्शन में चली जा रही है। तो अगर आप ये देखें अभी तो बैटरी नहीं लगा हुआ है, इसलिए इस पिन के ऊपर वोल्टेज आपको दिखाएगा 19 जो कि आ रहा है। जब तक ये वोल्टेज हाई रहती है, इस मॉस्फेट की इस पिन पे आती है, तब तक आपका बैटरी वाला वोल्टेज नहीं आता है। बैटरी वाला वोल्टेज आपको इस पिन पे शो करेगा, लेकिन बैटरी देखे नहीं लगने होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज पूरा शो नहीं कर रहा है आउटपुट वोल्टेज। इसे देखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे, और ये जो मॉस्फेट है आपका इनपुट मॉस्फेट है, यानी कि जो चार्जिंग के लिए सप्लाई दे रहा है उसके लिए है। आप देखें यहाँ पे भी वोल्टेज 19 आ रहा है, मल्टीमीटर पे देखें। उसके बाद ये आपका टोटल सेक्शन जो होता है सीपीयू का होता है, और सीपीयू का सेक्शन जो बनता है कुछ मॉस्फेट जिनमें दो मॉस्फेट लगे होते हैं, ये पेयर में लगे होते हैं, एक मेन होता है दूसरा सपोर्टिंग होता है। और जो मेन मॉस्फेट होता है आप कैसे पहचानेंगे उसे, तो आप वोल्टेज चेक कर लें उसके ड्रेन के ऊपर। जिस मॉस्फेट के ऊपर आपका 19 वोल्टेज आ रहा होगा वो मॉस्फेट आपका यहाँ पे देखें, ये आपका सप्लाई हो गया, यहाँ पे देखें ये आपका आउटपुट हो गया। यानी कि ये दोनों सेकेंडरी है और इसका जो मेन होगा वो बैक साइड में लगा होगा, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वोल्टेज है आपके, यहाँ पे दिखा रहा होगा ये वोल्टेज मेन वोल्टेज है, इनपुट है, और इसका जो आउटपुट है इस कॉइल से होते हुए, जैसा कि देख रहे होंगे आप, इस कॉइल से होते हुए, इस कैपेसिटर से होते हुए सीपीयू के लिए बनती है। यहाँ पे जितने आपको पोर्ट्स लगे हुए हैं ये सभी पोर्ट्स 5 वोल्टेज के थ्रू चलते हैं, और ये 5 वोल्टेज आप किसी भी यूएसबी के पिन पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपके कैपेसिटर है और इसका पॉजिटिव पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा, देख रहे होंगे यहाँ पे 5 वोल्टेज दिखा रहा है। इस कैपेसिटर से होते हुए वोल्टेज आपके इस यूएसबी के पिन पे आ रहा है। फ्रेंड्स, तो ये जो वोल्टेज है हमें चेक करने के लिए जो आपको दिखा रहे हैं, तो रैम के लिए भी नज़दीक में कॉइल लगा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे वोल्टेज जब रैम लगती है तो आपकी वोल्टेज बन के आ रही है, 1.5 mA के लिए चाहिए होता है, और वो वोल्टेज आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा मल्टीमीटर, मल्टीमीटर पे आप देख पा रहे होंगे। ये वोल्टेज इस रैम के लिए होता है, रैम को सप्लाई देने के लिए होता है। रैम को सप्लाई नहीं मिलने से आपको नो डिस्प्ले का इशू आता है। उसके बाद यहाँ पे चिपसेट लगे होते हैं, इन चिपसेट के लिए सप्लाई चाहिए होती है। तो यहाँ पे एक ही चिपसेट लगा हुआ है, ये PCH होता है, और PCH की सप्लाई आप यहाँ से देखेंगे इस कॉयल से जो कि आपको मिल रही होगी, और इस कॉयल के ऊपर देखें ये सप्लाई आ रही है। इस कॉयल के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सप्लाई मिलेगी, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो आप यहाँ से सप्लाई देख रहे होंगे, यहाँ पे 1.2 वोल्टेज है और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है। तो फ्रेंड्स, ये जो इन दोनों को जो वोल्टेज मिल रहा है हमें इस दोनों मॉस्फेट और इस मॉस्फेट से मिल रहा है। ये मॉस्फेट का जो इनपुट होगा वो भी आपका सेम तरीके से होता है, यानी कि एक मेन होता है जहाँ पे कि आपको मेन सप्लाई मिलती है, जैसे देख रहे होंगे आप मल्टीमीटर में 19 वोल्टेज शो कर रहा है। और ये मेन हुआ, ये इसको आउट करेगा और ये मॉस्फेट इसको सप्लाई देगा। तो ये जो सप्लाई है ये मेन सप्लाई हो गई, और ये सप्लाई आपके चिपसेट के लिए बनती है। दूसरा भी दूसरे के लिए भी यहाँ पे एक मॉस्फेट लगा हुआ है जो कि इसको सप्लाई देके 1.8 वोल्टेज आउट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, जब आपको कभी भी डेड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आप ये बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी के आसपास जो पॉजिटिव पिन से लगे हुए कनेक्टर्स हैं उनको चेक करेंगे। हमारा बोर्ड में जो सबसे बड़ा कनेक्टर होता है वो होता है कीबोर्ड के लिए, यहाँ पे वाईफाई आप लगाते हो। ये जो आपका डिस्प्ले का कनेक्टर है, तो यहाँ पे भी आपको 19 वोल्टेज की सप्लाई चाहिए होती है। 19 वोल्टेज की सप्लाई चाहिए होती है वो आपके इसके पिन पे आता है, और ये देखें अगर आप, तो यहाँ पे ये सप्लाई आपको यहाँ पे दिख रही होगी 19 वोल्टेज। अगर ये सप्लाई नहीं बन के मिलती है तो हमें अधिकतर डल डिस्प्ले का एक प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर सारा कुछ आता रहेगा लेकिन पिक्चर दिखाई नहीं देती है। फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया कि मैं आपको एक मदरबोर्ड के ऊपर आने वाली सभी वोल्टेज के थ्रू आपको बता दूं कि आप कौन कौन सी वोल्टेज इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड को ऑन करने के लिए। बोर्ड को ऑन करने के लिए आपके कीबोर्ड का जो कनेक्शन होता है पीछे में बैक में लगे हुए की आईओ से होता है, यानी कि पावर आईसी के साथ में। फ्रेंड्स, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वोल्टेज की जानकारी दे रहे हैं, ऐसी जानकारी हम लोग अपने सभी स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर आप इससे भी अधिक जानकारी लेना चाहते हो, आप इससे भी बेहतर जानकारी लेना चाहते हो और अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आप दिए गए नीचे नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, हम अपने यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, सभी तरह के कोर्सेज चलाते हैं। तो आप यहाँ पे आके बहुत ही अच्छे तरीके से एडवांस में सीखना चाहें तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं दोस्तों।
ये जो ट्रेनिंग है, हम लोग एडवांस चिप लेवल में ट्रेनिंग आपको देते हैं, जिससे कि आपको बहुत फायदा होता है। बाकी आप हमारे वीडियोस देखते रहें और रिमार्क्स देते रहें, हमें कमेंट्स देते रहें, जिससे कि हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। फ्रेंड्स, हम आपके कमेंट्स को रीड करके कुछ नया नया वीडियोस आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपको उससे भी अच्छा लगे तो शेयर भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लें, और नीचे दिए हुए बेल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक